खलीलुर रहमान कमर साहब को कॉल आती है एक अच्छा। औरत जिसका नाम आमना है, रात 12 बजे कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। बड़े बड़े ड्रामे बनाते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा तो होगा लेकिन हनी ट्रैप होगा। खलीलुर रहमान हर वक्त औरतों को टारगेट करते हैं, इस बार वो फंसे तो औरत के ट्रैप में फंसे। वो हमेशा औरत के ट्रैप में नहीं फंसे। अब इसको समझ आया होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब है, जब आपके जिस्म को कोई आपकी बगैर इजाजत के छुए, आपको तकलीफ पहुँचाए तो कैसा फील होता है। उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए मुलाकात करनी थी तो यार दिन में नहीं हो सकती। क्या आपने ऑन स्पॉट FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? उसका ऑरा है चार्मिंग था। शट अप। उस बंदे ने ये कहा है कि जी 95% औरतें जाहिल होती हैं। ऐसा मतलब सारी मामा बना जाहिल ही है सारियां। लाइक ये इतना ऑफेंसिव किस्म का कमेंट था एंड आई अप्रिशिएट दैट गर्ल कि जिसने उसके बैंड बजाया उस मौके और उसने कहा कि आप सॉरी करें। इज इट पॉसिबल टू प्रूव दैट ही मे हैव अरेंज्ड दिस होल थिंग हिमसेल्फ खलीलुर रहमान कमर साहब जो सारी उम्र ड्रामे बनाते रहे, आज उनका ही ड्रामा बन गया। उनकी अगवा की साजिश के पीछे कौन है, असल कहानी तो कुछ और ही है। ये सब कुछ आज डिस्कस होगा ड्रामेबाज के एपिसोड में। याया हाय और माहीन, खलीलुर रहमान के साथ जो हनी ट्रैप का इंसिडेंट हुआ, आप लोगों क्या टेक है इससे? मुझे आप लोग एक बात बताएं कि अगर आपको कोई कॉल करे, आप तीनों में से किसी को, मुझे तो खैर वो करेगा नहीं भी, कि जी रात के 12:30 बज रहे हैं और जी मुझे कोई चीज डिस्कस करनी है आपसे, आप मेरे घर आ जाए। फोन पे नहीं होती डिस्कस। ऑन व्हाट अर्थ कि आप वहां जाएंगे? आप उससे बंदे हुए खातून को कहेंगे बीबी या भाई साहब आप सुबह 10 बजे 11 बजे किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में आ जाए, मैं आपको चाय पिलाता हूँ, वहाँ बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है उन्होंने जो डिस्कशन करनी हो वो रात में होती है, रात में ही चांद की रोशनी में। ठीक है ना, जो चांद की रोशनी में हुआ फिर सबने देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना याया भाई उन्होंने ये कहा है कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आपने सूरज की शुआएं नहीं लेनी 5 साल तक। ठीक है, आप डॉक्टर्स ने उन्होंने आई डोंट नो जो भी है उन्होंने अपनी पर्सनल रीजन दी है लोगों का खून चूस और उन्होंने कहा है कि इसलिए मैं रात के पहर में निकलता हूं और ये कोई मेरी पहली मुलाकात नहीं थी उनसे। नहीं ये मतलब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुलाकातों के लिए इस पैराइम में पहली मुलाकात थी। मतलब देखिए शोबिज में उन्होंने कहा है, फिर सहाफी ने एक सवाल पूछा कि रात के पहर में ही क्यों और आप उनके घर चले गए, तो उन्होंने कहा हमारी को शोबिज के अंदर जो खातूनों से भी मिला जाता है कोई जेंडर का ना देखा नहीं जाता, सिनफी इम्तियाज नहीं करते जी। क्या बात है, तो उन्होंने ये बात की है, तो आप कैसे जज कर सकते हैं इनको? या ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि हनी ने उन्हें ट्रैप कर लिया। नहीं वो तो है, उनकी हनी जो है उनकी पिक्चर भी आई है, एक वैसे एक कॉमन सी बात ठीक है यार, उन्होंने क्या पता उनको जरूरत हो काम की, आजकल काम नहीं चल रहे, ड्रामे नहीं, उनका जेंटलमैन चल रहा है, और 10-15 दिन से गुफ्तगू होती रही है उनकी, जो बात बनी है ना, उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए मुलाकात करनी थी तो यार दिन में नहीं हो सकती। मेरा सवाल ही है कि दिन में सूरज होता है निकलेंगे ना गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो धूप जादू है वो बेसिकली। मुझे थोड़ा सा मुझे तो ये बताओ क्या सीन हुआ है, ये है की खलीलुर रहमान कमर साहब को कॉल आती है एक औरत जिसका नाम आमना है, रात 12 बजे की मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, एक ड्रामा प्लान कर रही हूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ स्क्रिप्ट पे काम करना है, हाँ तो भी मिलने आ जाए, दो राइटर्स के आपस में डिस्कशन हो ना, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है यार, स्टोरी बोर्ड बनता है, तो आप मुझसे मुलाकात कर ले, मेरे पास एक आइडिया है मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, वो जनाब 4:40 में यानी के रात के 4:40 में वो जाते हैं, उनके पास वो लोकेशन भेजती है, लेट नाइट जाते हैं। अच्छा ये वाकया है 15 जुलाई का, अभी कभी नहीं है ये। अच्छा। वाकया तो मंदिर आम पर कल आया, लेकिन ये 15 जुलाई की बात है, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई, FIR भी नहीं कराई, आज कल में कराई है। किस तरीके की रिपोर्ट हुई है? FIR बिल्कुल, हां जी FIR कल हुई थी। तो सीन सारी है कि वो चले जाते हैं, वहां पे गैंग बैठा होता है, उनको जदोकोप कर लेता है, उनके आंखों पे पट्टी बांध लेता है और उनसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करते हैं। 1 करोड़ मांग लिया, 1 करोड़ हम आपको मार देंगे। खलीलुर रहमान साहब की शक्ल, बड़े बड़े ड्रामे बनाते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा तो होगा लेकिन वो हनी ट्रैप हो गए। अच्छा। मांग लिए
बड़ी ज्यादा रकम नहीं मांग ली है भाई। तो उन्होंने कहा मेरे पास रकम है नहीं, उन्होंने कहा अपने किसी भी रिश्तेदार दोस्त किसी से भी मांगो हमें चाहिए वरना हम तुम्हें कत्ल कर। अच्छा मुझे सुनने में जो आया ना जो कि उन्होंने किसी दोस्त को कॉल की जी, वो जी, दोस्त भी याया भाई की तरह था जिस तरह याया भाई मेरे साथ करते हैं ना अक्सर कि मैं यार कमाल कर रहा हूं। उसने कहा कि 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख रुपए मांगा और याया भाई की तरह उन्होंने कहा कि थोड़ी देर ठहर दे मैं तुम दस ना मैंने सुना है कि उनके पैर में गोली भी मारी है बचत होगी जहाँ से वो भी असल में खौफजदा हुए हैं। पहले तक उन्हें शायद लग रहा था कि बस मारे मुरेंगे भी या कोई इस तरह का कोई सीन हुआ भी ना तो छोड़ देंगे। मुझे एक चीज समझ है, अगर एक बंदा आपके सर के ऊपर खड़ा है राइट और वो आपके पैर को एम लेके हिट कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो मिस कर दे पैर को? उन्होंने पैर को हिट नहीं किया, अपने हिसाब से किया होगा जो भी उनका प्लान होगा जो भी नामालूम अफराद थे। फिर उन्होंने वो उनके जो एटीएम कार्ड एलाइड बैंक का देखे उसमें से 2,67,000 रुपया निकलवा लिया, 6,000 रुपया कैश लेके गए थे, मेरी तरह ही थे बिल्कुल। कैश भी ज्यादा नहीं रखना और ये भी उनको इल्म था कि मैं रात के इस पहर जा रहा हूँ तो कैश नहीं होना चाहिए। अच्छा वैसे वो बड़े एक सेंसिबल आदमी है, बड़े सेंसिबल आदमी है, बड़े एक दलील के साथ बात करने वाले। मुझे मुझे ये ऐसा फीलिंग आती है शुगल मेले से हटकर हमने जो आगाज में जो बातें की हैं कि वो जिस तरह का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना एक नैरेटिव रखते हैं खातीन के बारे में भी और इस सोसाइटी के बारे में भी, कभी कभी उनसे लाख इख्तलाफ आपको हो सकते हैं लेकिन कभी कभी आप उनसे इत्तेफाक भी करते हैं। जी जी इज सेइंग द राइट थिंग, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सोसाइटी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेट्स से किसी के खिलाफ नहीं हो सकता वो भी, लेकिन द थिंग इज कि ये करना इतने बड़े आदमी के साथ क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और यही तो बात है इमरान किशोर साहब जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं जो के आपके बड़े नाम पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, अब देखें अब अरसे से काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये सवाल किया कि आपने ऑन स्पॉट FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? अब बार उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और डीआईजी साहब भी बैठे हुए थे, रिपोर्टर्स भी थे, सहाफियों के सवाल भी थे, उन्होंने जब सवाल यही मैं बता रहा हूँ जब पूछा ना कि रात के पहर में क्यों गए और इस वो नेजेबा कपड़े थे वो जो लड़की थी उसकी डीपी में, यस यस रिपोर्टर्स ने कहा कि वो डीपी देखी है हम लोग ने उस लड़की की उसमें नाजेबा कपड़े थे, उन्होंने कहा हमारे शो बिज में नाजेबा नुजुबा कुछ नहीं होता, छोटे कपड़े भी पहने जा सकते हैं। 27 साल है अब आप कपड़ों से जज करके जाओ जी, वो छोटे कपड़े पहने शो बिज में वो काम कर रही है ड्रामा बनाने में वो जा रही है, अब वो हनी ट्रैप है या वो सिरके वाला ट्रैप है वो तो बात बात की है कि उन्होंने खलील साहब के साथ किया क्या बुलाया है, खलील साहब भी पहुंच गए हैं। अब देखें बंदे की कैफियत होती है, वो रात के पहर किस कैफियत में थे, उन्होंने मैसेज किया पहले से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा ड्रामा बनाना ही है मिल लेने हैं जनरल। हाँ। अब लोग उसको जो रंग देना चाहे दे दें, बहुत ही वैसे जनरल गल की थी बहुत जनरल लोग स्पेसिफिकली हो गए ऐसी बात की है नहीं देखे ना। हाँ, लेकिन बात तो सही है, देखो उस औरत ने ये बयान दिया है कि मैं 15 दिन से इनके साथ चिट चैट कर रही हूँ, हमारे पिक्चर्स भी एक्सचेंज हुए, तो रिपोर्टर्स ने कहा कोई एविडेंस दे, उन्होंने कहा चैट उन्होंने उनका iPhone 11 Pro जो था, iPhone 11 Pro में मुझे एक चीज समझ नहीं आई, 1 करोड़ रुपया मांगा समझ आती है, 2,67,000 रुपया निकाला समझ आती है, लाइट बैंक से गोली मारी समझ आती है, ओके डेटा शेयरिंग आईफोन का डेटा शेयरिंग कर उन्होंने पूरा कर लिया और वो डिलीट कर दिया है? इसकी समझ नहीं आती, पासवर्ड लेके आईफोन से शेयर होता है, आपको एक और बात बताऊं, प्रियस गाड़ी उनके पास रेड कलर की देखी हुई जी, व्हाट प्रियस रेड कलर की, देखो तो उनकी वो तबीयत रंगीनी की भी एक है ना, उनकी मर्जी, उसके कागजात भी ले लिए, पर्सनली लगता है घड़ी ले ली, आईफोन ले ली, घड़ी 1,00,000 रुपए की घड़ी थी, अब ये करने के आए हुए थे डराने आए हुए थे, फिर सारा कुछ करके जब फोन नहीं उठाया दोस्त ने 10 लाख रुपया जिसे मांगा, करोड़ रुपए की जगह 10 लाख चलो निगोशिएट करके भी, बहरहाल वो भी मुझे नहीं पता नामालूम अफरादों ने किस तरह से उनको इस बात पे मुत्तफिक हो गए वो लोग भी कि 10 लाख में ही मान गए, जब उन्होंने 10 लाख मांगा उनके सामने ही मांगा ना कि 10 लाख भेज भाई
अगले ने फोन नहीं उठाया, वो भी सोया होगा, वो भी किसी ना किसी ट्रैप में होगा। रात के पिछले पहर का वाक्य तो सो ही रहा होगा, सब बंदा सो रहा होता है। नॉर्मल इंसान जो है वो जो रूटीन जिसकी है वो, हर किसी को सूरज से मसला तो नहीं हो सकता ना, कोई सूरज में निकलता। वो भाजन सो रहे थे, अब उन्होंने कहा कि यार मैं बताता हूँ, फिर नहीं उठा सके फोन। अब मेन चीज ये है कि फिर उसके बाद उन्होंने नामालूम अफरादों ने उन्होंने उनको नामालूम जगह पर छोड़ दिया, सुनसान जगह पे। ऐसे वीराने में छोड़ दिया, वीराने में छोड़ना था और क्या, उन्होंने केएफसी जाके उतारना था। कुछ नहीं मिला तो घर जाके उतारा खलील रहमान कमर साहब हैं अपने घर में है या मीडिया इंडस्ट्री में है, वो जो लोग थे ना उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का असला भी था, असला जो बरामद हुआ देखा है, दहशत गर्दों के पास ऐसा असला नहीं होता। अब आप देखें इतना सारा, और लोग कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं, कोई अताई होने ना करें या भाई आपकी सेहत इस जिनको, तरह से ना जिनको पता नहीं होगा, मैं नहीं चाहता मेरा दोस्त मेरी बात सुन ले, मैं भी चूंकि थोड़ा बहुत लिखने का काम हमारा होता है यहाँ पर, हम करते हैं आप सबके साथ ऐसे ही है। तो द थिंग इज के वो ही इज अ राइटर यार, वो बहुत बड़े आदमी है बेशक है, और इसका उनको एक्सप्लॉइट करना और उनको उन पर टॉर्चर, टॉर्चर ही है ना भाई, फिजिकल भी टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर भी है, उनकी फैमिली पे भी है, और फैमिली और देखे ना बंदा किस तरफ से गुजर रहा होता है। अब अगर वो किसी क्रिएटिव प्रोसेस में है, अगर वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो तो ठप हो गया ना कुछ अरसे के लिए। और दूसरा ये कि फिर वाकई उसमें अगर मैं देखूं तो टाइम बाउंड वाला हिसाब नहीं है कि वो रात को मिले या सुबह मिले, और चलो डॉक्टर की रीजन उन्होंने जो दी है उसके पीछे भी कोई अगर लॉजिक होगी मेडिकली हो सकती है, कई लोगों को माइग्रेन का इशू होता है, जमाना इतना आ गया, देखें कई लोगों को माइग्रेन का इशू होता है, उनको सनशाइन से सूरज की जो शुआएं होती हैं वो आंखों में लगती हैं, उनको सरदर्द एक साइड वन साइडेड सरदर्द माइग्रेन, आपको नहीं पता उसका इलाज ही नहीं मिल गया। हम काम करते ना, ये लाइटें हमारे सामने सब लगी हुई है जी, हम कभी कभी बाजार हो जाते हैं यार कि लाइट आंखों में पड़ रही है, तो ये सर दर्द हो रहा है, हो जाता है। तो यही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन समीरा और महीन, आप लोग क्या समझते हैं कि ये क्या सीन है? फिर मैंने एक वीडियो और भी देखी, वो वीडियो देखी है मैंने, पुरानी वीडियो जिसमें उन्होंने बैठ के कहा कि लड़कियां बराबरी मांगती हैं। पांच लड़कियां मिलके अगवा करो किसी मर्द को, खलील साहब तो खुद अगवा हो गए, बराबरी हो गई। अच्छा, अब लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि अब इसको समझ आया होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी का क्या मतलब है, जब आपके जिस्म को कोई आपकी बगैर इजाजत के छुए, आपको तकलीफ पहुंचाए तो कैसा फील होता है, लोग कह रहे हैं ऐसा, लोग कह रहे हैं, कमेंट्स मैंने वीडियोस पे पढ़े, मजेदार है यार ये, दिस इज गुड। अब अल्लाह खैर करे, अब क्या होता है आगे, आगे तहकीकात तो होंगी, लेकिन यार इसकी मजम्मत होनी चाहिए। I think it was a personal होता है। पिज्जा डिलीवरी वाला कौन था? ये भी तो कहानी है ना भाई, पिज्जा डिलीवरी, उसने कहा जी मैं पिज्जा डिलीवरी वाला आया, पिज्जा मंगाया। अब खलील साहब उस टाइम, ये भी बात एक बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात, कि उस टाइम उन्हें भूख लगी थी, भूख और प्यास। माहीन, खलील रहमान हर वक्त औरतों को टारगेट करते हैं कि औरत ऐसी है वैसी है, ताऊ जाहिल, इस तरह उस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार वो फंसे तो औरत के ट्रैप में फंसे। अच्छा, से वो औरत के ट्रैप में ही फंसते रहे, जिस तरह पहले वो थी, क्या नाम था उसका, मारवी सरमत, उसकी वजह से जलील हुए, फिर वो जो दूसरी लड़की थी ताऊत वाली, उसकी वजह से फंसे। बंदे का ऑरा है, नहीं ऑरा उसका, ऑरा तो है उसका, ऑरा है, चार्मिंग था। शट अप भाई, वो जिन्होंने देखा है, जिन्होंने ये बदला लिया है, जिन्होंने कोई ना कोई सीन था, ये भी मैं बता दूं, असल कहानी निकलेगी कोई साल डेढ़ साल बाद। उनकी जो वजह शोहरत या और जो दीगर जो मामला होते हैं वो अराउंड विमन है, हालांकि इससे पहले भी वो कोई आपके राइटर नहीं है, लंडा बाजार yes. वो गलबन आप लोगों के पैदा होने से पहले का होगा, ठीक है, मंजे वे राइटर हैं, ये बात है, और कमाल किस्म का लिखते हैं, मेरे पास तुम हो वन ऑफ द फेवरेट, असल में लोगों ने तो उनको जानना शुरू किया मेरे पास तुम हो के बाद से, वो तो उससे पहले के काम करने वाले हैं, ही इज अ पायनियर, यस, बहुत बड़े आदमी है वो, लेकिन उनकी जो आप कह लें कि प्रॉब्लम्स है ना, वो घूमी जब आपको याद होगा पहला औरत मार्च हुआ था, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला जुमला, वो ऐसा चुभा उनको, बल्कि हमको भी, बहुत सारे लोगों को भी चुभा, हां बिल्कुल सही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और उसके ऊपर फिर उन्होंने बड़े दफा एक्सप्लेनेशन भी दी, बहुत दफा दी उन्होंने, एंड आई सपोर्ट हिम इन दिस मैटर, लेकिन उसमें ये देखिए कि आप मारवी शर्मा आती हैं, वो कंट्रोवर्सी बन जाती है, फिर कोई और खातून आती है, फिर कंट्रोवर्सी बन जाती है, जितनी कंट्रोवर्सीज हैं उनकी वो उस औरतों के गिर्द ही घूम रही है, या तो वो कमेंट ऐसा कर देते हैं लाइक, लेकिन करने में अच्छा, वो आप कमेंट्स की कुछ बात कर रहे हैं,
खलील और रहमान के पूरे इंसिडेंट पे और फिर जो अच्छा। पुरानी वीडियो आई उसके नीचे क्या कमेंट है वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, वो पढ़ते हैं आप उसका तबसरा कीजिएगा उसका। साकिब जमील कहते हैं आई मीन आई डू कंडेम द किडनैपिंग बट ही डिड इनसाइड द औरतें, ये तो होना ही था, वो क्या कहते हैं कर्मा 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 इज अ डैश। हां जी यस, मतलब जैसे मैंने खुद औरतों को दावत दी कि मुझे किडनैप करो ना, बराबरी करनी है तो मुझे किडनैप करो, पांच औरतें एक मर्द को किडनैप करें, चलो एटलीस्ट अब ये प्रूव हो गया कि औरतें मर्दों के बराबर है ना, हो गया बराबर, फिर वो पान ना हल्का बराबर पान लग गया, वो पान लग गया, वो हल्का बराबर पान लग गया, सही कह रहे हैं। अच्छा सेकंड कमेंट आया है आयशा की तरफ से, ये बंदा औरत के नाम पर मशहूर होकर औरत से ही धोखा खा कर किडनैप हो गया, मेरी वाली बात यहाँ पर, लेकिन खलील साहब मुझे लगता थोड़ा सा ठीक है खलील साहब के औरत ने धोखा दे दिया, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस कमेंट। अच्छा बियॉन्ड द बेसिक कहते हैं ले उठवा भी लिया धुलाई भी कर ली तेरी, नाउ यू विल नो हाउ बीइंग टच्ड विदाउट कंसेंट फील्स लाइक, नाउ ही विल नो व्हाट मेरा जिस्म मेरी मर्जी इज, नो वन शुड टच यू विदाउट योर कंसेंट। मैसेज तो डीप है, ये कौन है? दिस इज डीप, बियॉन्ड द बेसिक, इंटेंस, बियॉन्ड द बेसिक ने तो बियॉन्ड ही जाके बात की, भाई बियॉन्ड द बेसिक हटके बात है, ये बेसिक से बड़ी हटके बात की है उन्होंने, गुड वेरी नाइस मारा, फिर भी मर्दों ने ही औरत ने धोखे से बुलाया है, औरत की किडनैपिंग को आज तक किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन आज मेजॉरिटी इस किडनैपिंग को सेलिब्रेट कर रही है एंड प्रूविंग साहिल स्टेटमेंट पर। उस बंदे ने ये कहा है कि जी 95% औरतें जाहिल होती हैं, ऐसा मतलब साड़ी मामा पहना जाहिल ही है सारियां, इसका मतलब ये है कि मुआशरे में 100 में से 5 औरतें जाहिल नहीं है, एक दो तो हमें बाकी बताओ, 95 औरतें जाहिल हैं, 100 में से 95 जाहिल हैं, मतलब 95 तो वही बात होगी ना, 100 में से 95 जाहिल हैं, मतलब हमारी माएँ जाहिल हैं, ठीक है, हम एमफिल पीएचडी करके हमारी माएँ जाहिल हैं, ठीक है, हमारी माओ ने अपनी औलाद को परवान चढ़ा दिया, लोग आपकी तारीफें करते हैं, हमारी माएँ जाहिल, बिल्कुल हाँ, ठीक है, आपकी बीवी आपका घर संभाल रही है, आपके बच्चे पाल रही है, वो जाहिल है, ठीक है, आपकी बहन है वो अपने बाप की अपने भाई की इज्जत का ख्याल रख ली है, वो जाहिल है, ठीक है। हदीस शरीफ में आता है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो तो उस माँ की गोद में जो बच्चा पड़ा है वो माँ भी जाहिल है, लाइक ये इतना ऑफेंसिव किस्म का कमेंट था एंड आई अप्रिशिएट दैट गर्ल कि जिसने उसके बैंड बजाए उस मौके और उसने कहा कि आप सॉरी करें, आप यकीन करें मैं वहां बैठा होता ना तो मैं खलील साहब को वहां पड़ जाता कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वो आपकी माँ को भी जाहिल कह रहा है, आपको बात समझ नहीं आ रही है, उसने जब देखें हमारे यहाँ क्या होता है, हम ना मजहब कार्ड बड़ा अजीब तरीके से खेलते हैं, अब जब उसको कुछ समझ नहीं आया ना उसकी बात का जवाब तो वो आगे से उसने उसको आयत बताने शुरू कर दिया, मुझे आयत ना बताएं से सॉरी, आप जाहिल कैसे कह सकते हैं, दिस इज अ गुड थिंग कि उसने स्टैंड लिया, और खलील साहब उसको डिफेंड करने में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर 95% औरतें जाहिल होती इस दुनिया में इस माशरे में तो दुनिया तबाह हो चुकी होती, तो आज ये जो हीरोज हैं ये बच्चे जो हैं बेटियां हैं बेटे हैं ये अपना नाम ना रोशन कर रहे हैं, माएं अपने बच्चों को बेचती हैं कुर्बान होने के लिए, वो जाहिल है नहीं, तो ये बहरहाल एक चीज है, ये थी कैथारसिस मुझे करना था, मुझे बड़ा अच्छा कैथारसिस किया आपने, तो अब सिनेरियो ये है कि अब मुझे लगता है कि कमेंट आगे कुछ है तो वो जरूर पढ़ें, एक और कमेंट है उसके बाद चलते हैं आगे, सोनिया कहते हैं इज इट पॉसिबल टू प्रूव दैट ही मे हैव अरेंज्ड दिस होल थिंग हिमसेल्फ टू फर्दर मेक वुमेन लुक, अच्छा हां दैट कुड आल्सो बी पब्लिसिटी, डिलीट हो गई थी पिक्चर्स और सब कुछ डेटा डिलीट हो गया, डेटा तो रिकवर भी हो जाता है, रिकवर हो जाता है, दैट्स द पॉइंट, बट लोग ये कह रहे हैं या मैं नहीं कह रही, एक कॉमेंट आया है कि कोई ना पिक्चर सामने आई है ना कोई एविडेंस सामने आया है तो कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट औरत को दिखाया जाए, पता नहीं अब ये क्या स्ट्रेटजी है, आपका एक और पब्लिसिटी स्टंट है, ये अल्लाह पे छोड़ देते हैं, ये वैसे बड़ा खौफनाक कमेंट है, बड़ा उन्होंने सोची समझी, नहीं मगर आई थिंक इट्स टू बिग ऑफ अ स्टेप कि आप इतनी रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल बात वो कर रहा है ना, वो अज्यूम कर रहा है एक चीज को, नहीं पता है क्या, बिकॉज़ ही इज अ राइटर एंड ही इज अ वेरी नोन पर्सन, तो अपने ऑनर को इस तरह मार के पब्लिसिटी आई डोंट थिंक वो करेंगे, मुझे भी लगता है कि नहीं ये इस तरह से नहीं होगा, करेंगे कि पूरा ट्रैप बना के खुद से और अगवा हो जाए, इतने छोटे काके नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से यार जो भी है जोक्स अपार्ट खलील और रहमान के साथ ज्यादती हुई है और इसी से हम ये लेसन सीखते हैं, सबक सीखते हैं कि अगर आपको चाहे आप कितने भी बड़ी राइटर हो कितने भी बड़े एक पर्सनालिटी क्यों ना हो पब्लिक फिगर हो
अगर आपको रात के 12 बजे भी कोई अननोन पर्सन कॉल करके बुलाता है कि आओ मेरे पास कोई आइडिया है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ। जो मुल्क के हालात है, मुल्क के हालात है, शहर के हालात खराब है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अकलमंद इंसान और फिर खलीलुर रहमान साहब जैसे आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी अगर ऐसा करते हैं तो इस चीज को जो है ना थोड़ा समझदारी से लेना चाहिए। बिल्कुल तो इससे तो मेरी बात से वो जो औरतें जाहिर वाला कमेंट है वो तो इससे ऑपोजिट नहीं होगा। आप हनी ट्रैप भी हो सकते हैं, हो सकता है अपेरेंटली दिख रहा हो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन आपके जेब में सिर्फ 6,000 रुपए हैं, आपको अपने दोस्त रिश्तेदारों से मांगना पड़े और वो फोन भी ना उठाए, वो फोन ना उठाए। ये सबसे ज्यादा मुझे, मेरे सबसे ज्यादा दिल पता है कहां दुखा है, उस दोस्त पे। मैं डिलीट करने लगा सबके नंबर। आज की वीडियो पसंद आई होगी, मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए सुनो डिजिटल। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।